बाबा जी, जैसे कि यहाँ आसपास में संत कहाँ रहते हैं, साधु संत? सामने किसी के डर जाओ ना, बड़े आगे है। अच्छा बाबा, आप नाम कहीं है? मां नाम मूलचंद जी। मूलचंद जी, उम्र कितनी है? 3 कम है, 100। 100 में 3 कम है। 97 साल जी के हैं मूलचंद जी। और मूलचंद जी के लिए धन्यवाद कहना, इनके द्वारा मुझे जानकारी मिली कि संत वहाँ पर है, उस पहाड़ पर रहते हैं ना। पहाड़ पर, जंगल में है। पीछे दिखाना एक बार, इस तरफ है जैसे आप देख पा रहे हो, पहाड़ के जंगलों में। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, आज मैं एक ऐसे संतों के दर्शन कर रहा हूँ। जंगल में शाम के समय हो चुका है और एक गुफा के अंदर संत है। जी हाँ, संतों ने, मैं सुबह गया था तो उन्होंने कहा शाम को आना, और उन्होंने एक शर्त रखी है, बिल्कुल भी चेहरा नाम सब गुप्त रखने के लिए। तो मैंने उनकी आज्ञा का पालन करूँगा, तो नाम इस चेहरा इस वीडियो में नहीं दिखेगा, तो माफ़ी चाहूँगा पहले। और इस जंगल के बीच में मैं अभी, मेरे साथ में कैमरामैन है और स्टाफ, जो भी गांववासी है यहाँ से आए हैं वो भी इस जंगल में आए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप पीछे देख पा रहे हो, चारों तरफ से जंगल है पीछे, और जंगली जानवर है, बंदर लंगूर इतने हैं, ज़बरदस्त, कह नहीं पा रहा हूँ इतने। और अब हम संतों की सीरीज लेंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन करूँगा, इनकी सत्संग ध्यान से सुनना। अगर आप दिखने में, अगर आपको सही नहीं होगी, क्योंकि मैं उनकी आंख बंद करके ध्यान में है, फिर भी बोलेंगे, वहाँ लाइट चला नहीं सकता, मना है गुफा के अंदर, तो बिल्कुल भी ये लाइट का उपयोग नहीं करते किसी चीज़ का। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि सत्संग दिखाने की आपको और उनका आशीर्वाद दिलाने की, लेकिन आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बता देना एक बार, इनकी सत्संग किस प्रकार लगे। और मेरी कोशिश इस जंगलों में सावधानी से आगे बढ़ने की रहेगी, और मैं अब आगे बढ़ूँगा तो आप कैमरामैन से निवेदन करूँगा, कैमरा मोबाइल संभाल के चलना थोड़ा सा। आया, साथियों सही सही बता रहा हूँ, इस जंगल में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, हल्का सा डर इसलिए हो रहा है कि रात हो रही है, और निकलते समय कितनी रात हो जाएगी मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैं अभी रास्ते में आया तो मुझे कुछ सांप भी दिखाई दिए, और लंगूर तो इतने हैं कि चारों तरफ से मुझे ही मुझे देख रहे हैं, पता नहीं वो प्यार से देख रहे हैं, गुस्से से देख रहे हैं, पता नहीं। और जो मेरे साथ आए हैं वो आज कितने घबराए हुए मुझे पता नहीं है। लेकिन गुरुजी, आ सकता हूँ? गुरुजी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, थोड़ा सा सत्संग तो दे देते, थोड़ा सा 2 मिनट, 1 मिनट के दे देते। आपका चेहरा, आपका नाम कुछ नहीं ले रहा हूँ महाराज जी, गुप्त रख रहा हूँ, हर चीज़ गुप्त रख रहा हूँ, ये मैं वचन दे रहा हूँ महाराज जी, आपका नाम आपका चेहरा कुछ नहीं आ रहा। थोड़ी सी सत्संग सनातन धर्म के प्रतीक थोड़ा सा जो महाराज जी, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको वचन दे रहा हूँ। मैं जैसे महाराज जी एक ऐसी निवेदन कर रहा हूँ, जैसे कि अगर भगवान को पाने के लिए, क्या हमें सभी को घर छोड़ने से घर भगवान मिल जाएंगे, या गृहस्थी में भी हम भगवान को पा सकते हैं? मेन बड़ा एक मेन में इच्छा थी, कभी कभी घर छोड़ दूँ, और कभी कभी आता है कि गृहस्थी के बीच में छोड़ूंगा, बच्चे हैं तो फिर वो पाप का भागीदार तो नहीं बन जाऊंगा कहीं, मन में बड़ा प्रश्न ये उठता है। गीता पढ़ते हो महाराज जी? गीता में स्वामी रामसुदा जी द्वारा साधक संजीवनी लिखी गई है, उसको पढ़ता हूँ महाराज जी। तो हमने जबरदस्ती बोला क्या छोड़ने के लिए? नहीं नहीं, सब जवाब आपके अंदर ही है, थोड़ा देर के लिए मन में हो रहा है संशय, फिर सो गया तो कोई संशय नहीं, फिर घर में बैठ के करो भजन। महाराज जी, एक तरफ जैसे कि माला जप करना बड़ा पुण्य माना जाएगा, या संतों की सेवा करना बड़ा पुण्य माना जाएगा?
अगर दोनों में से एक मार्ग चुनना हो, एक तो माला दिन भर नहीं कर सकते ना, सारा समय नहीं कर सकते ना जी, फिर दूसरा कुछ करोगे तो सेवा भी करना पड़ता है। अब मैं बोलता हूँ मेरे साथ बैठो दिन भर, तो बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। फिर ऐसे ही एक काम कोई भी नहीं कर सकते हो आज की तारीख में। जी महाराज, मन कमजोर हो गया है इसलिए वो सब काम करना पड़ता है थोड़ा 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 मिला जुला करके। जी महाराज, फिर क्या, माला भी करो, ध्यान भी करो, जप भी करो, शास्त्र भी पढ़ो, फिर सेवा भी करो, धर्म प्रचार करता है वो भी करो। एक काम अकेला कुछ आप कर ही नहीं सकते ना। जी महाराज, अर्जुन ने कैसी तपस्या किया था भगवान को प्रकट करने के लिए, 3 दिन में 1 टाइम भोजन करता था। जी महाराज, और फिर वो भी 3 दिन किया, और फिर उसने जंप मार दिया, 6 दिन में 1 बार भोजन कर रहा था। जी महाराज, वो भी 3 बार किया। जी, फिर तीसरा जंप मारा, 9 दिन में 1 बार भोजन कर रहा था। जी महाराज, वो भी 3 बार किया। अरे एक और जंप मारा, 15 दिन में 1 बार भोजन किया। जी, वो भी 3 बार किया। जी महाराज, तो ऐसा होता है, ऐसा कोई कर नहीं सकता, इसलिए बहुत सारे काम करना पड़ता है। ज्यादा मिस प्रणाम करो महाराज, स्वीकार करें। महाराज जी, कोई ऐसी आप सक मेरे लायक मेरी योग्य कोई सेवा यहाँ पर आपके चरणों में कोई बता सकते हो? आप कहाँ रहते हैं? मैं बीकानेर का हूँ महाराज जी, और मेरी कोशिश रहती है हर जगह, पहले उत्तराखंड में भ्रमण किया, फिर मैं यहाँ ब्रज में किया, अभी काशी विश्वनाथ महाशिवरात्रि को वहीं था वहाँ तक, अब मैं यहाँ पर तीर्थ। कितने देर रहना अभी? देखो जब तक वर्मा जी की इच्छा होगी तब तक उनके चरणों में, लेकिन मेरे इरादा है मैं कल 2-3 संतों को, जैसे कुटिया बना रहा हूँ एक संतों की, तो वहाँ 2 दिन लगेगा, तो मैं वहाँ तक हूँ 2-3।